वेलकम बैक टू दी चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है फ्राइडे एंड अभी दोपहर का टाइम है। सुबह हम लोग गए थे डॉक्टर के पास बनी को लेकर, थोड़े बहुत जैसे दोनों बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी, बट हनी को पहले स्टार्ट हुआ था फीवर, अंडी खांसी वगैरह, उसके 2 दिन के बाद बनी को स्टार्ट हुआ था। तो हनी का अभी बिल्कुल ठीक हो गया है, बनी का अभी थोड़ा थोड़ा है, तो सोचा डॉक्टर को दिखा देते क्योंकि बनी को थोड़ा ज्यादा था। तो वही डॉक्टर ने बोला अभी वायरल ही है, वही चल रहा है, तो जो मेडिसिन आप कंटिन्यू कर रहे हो वही वही दो, उसको कंटिन्यू करो, बस थोड़ा सा डोजेस उसमें बढ़ा दिया है, क्योंकि जैसे पहले वो 5 ml लेते थे 2 साल पहले, अभी उनका हाइट वेट सब कुछ बढ़ गया है, तो उन्होंने बस 5 ml को 6 ml कर दिया है। बाकी एंटीबायोटिक्स हमने बोला कि एंटीबायोटिक्स दे दो, क्योंकि 4 दिन हो गया है तो एंटीबायोटिक्स जल्दी रिकवर कर जाएगा, तो एंटीबायोटिक्स लेके आए हैं। तो अभी वो मेडिसिन खा के अपना खेल रहा है, मेडिसिन खाते खाते वो ठीक हो जाता है, फिर 6-7 घंटे के बाद फिर से आता है फीवर। एनीवेज आज मुझे बहुत काम है, आज कल जैसे कि मैंने बताया था कि एक फंक्शन प्रोग्राम है, जो लोग ओडिशा से है एंड उनको पता होगा दुबई में गोड़िया कम्युनिटी है, क्योंकि ओडिया जो फेस्टिवल्स वगैरह सब सेलिब्रेट करते हैं, एंड साल में एक बार एक हांडी साड़ो करके प्रोग्राम, मतलब जो जिनको भी मन है वो जाके अपना स्टॉल लगा सकते हैं, ओडिया क्यूजिन जो है वो बेच सकते हैं, मतलब ऐसे स्टॉल लगा के आप अपना बेच सकते हो। आज से 3 साल पहले मैंने लगाया था स्टॉल, 100 लोगों के लिए दही वड़ा आलू दम ऐसे सब बनाया था। उसके बाद तो कोविड आ गया, फिर और कुछ भी कभी नहीं हुआ, ये कोविड के बाद से ये पहली बार फिर से हो रहा है सेम हांडी साड़ का फंक्शन, तो मैंने अपना नाम दे दिया था। अब मैं सोच रही थी कल मैं करूँ नहीं करूँ, क्योंकि बच्चों की तबीयत खराब है, बहुत काम रहते हैं, और फिर हमने स्टॉल का पेमेंट भी कर दिया था, जितने बोला नहीं करते हम सब लोग हैं, देखते हैं कर लेंगे, तो वही है। तो वो अराउंड मेरा वही टारगेट है कि 100 लोगों के लिए दही वड़ा आलू दम एंड घुगनी जो है वो मैं बनाऊंगी, तो उसके लिए काफी सारा प्रिपरेशन की जरूरत है, तो आज से ही मैं करूंगी फ्राइडे को। उड़द दाल मैंने कल रात को भिगो के रख दिया था, अभी उसको पीसूंगी, क्योंकि इतने सारे उड़द दाल उसको पीसते पीसने ही मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, फिर उसको फेंट के अच्छे से फर्मेंटेशन करें ना, हाथों से फेंट के रखना पड़ता है, थोड़ा वो फर्मेंट हो जाएगा 6-7 घंटे के बाद, फिर आज रात को या कल सुबह मैं फिर फ्राई करना स्टार्ट करूंगी, फिर वड़े फ्राई करने हैं, देन उसको पानी में भिगो के रखना है, दही वगैरह उसका, देन आलू दम के लिए मसाला वगैरह, इतने सारे आलू काटो बॉईल करो, फिर घुगनी के लिए मतलब जो येलो पीस वो सब, तो बहुत काम है। तो देखते हैं स्टार्ट करती हूँ, उसके लिए मैं बड़ी हांडी भी लेके आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ अभी, पहले मैं पीसना स्टार्ट करती हूँ, मैं हांडी दिखा देती हूँ आपको। सो ये वाला एक हांडी था हमारे घर पे, मतलब ये बड़ा सा, एंड इसी से मैं बनाती थी खाना जो भी, मतलब इसको धो के फिर दोबारा से इसको यूज़ करती थी, एंड जैसे कि आप लोगों को पता है साल में 2-3 बार जैसे नवरात्रों में रमज़ान के टाइम में मैं 100 लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, तो थोड़ा दिक्कत होता है मुझे एक हांडी से ऐसे बनाना, तो इसलिए मैं एक और बड़े साइज़ का हांडी ले आई हूँ ताकि थोड़ा ईजी हो जाए। मुझे लगा था मैं इससे थोड़ा सा छोटा लाऊंगी, बट ये उससे ज़्यादा बड़ा आ गया, ये हमने लुल्लू हाइपरमार्केट से लिया है, तो वहाँ पे ऐसे हांडी मिल जाते हैं, एंड जो लोग ओडिशा से हैं उनको पता होगा ओडिशा में दही वड़ा आलू दम जो स्ट्रीट में बेचा जाता है ना, वो इसी टाइप के हांडी में बेचा जाता है, तो इसीलिए लास्ट टाइम भी जब मैंने स्टॉल लगाया था तो इसी टाइप का मेरे पास और हांडी था, ये देखिए ये वाले जिसमें मैंने अभी उड़द दाल जो है भिगोया है, दोनों ही उसमें उड़द दाल भिगो के रखा है, तो लास्ट टाइम मैंने इस वाले हांडी में मैं लेके गई थी, इस बार थोड़ा सा और बड़ा लेके आई हूँ, थोड़ा कन्वीनियंट, मतलब ऐसा तो नहीं कि पूरा भर के लेके जाऊँगी, हम थोड़ा अच्छा रहता है कि हाँ गाड़ी में गिरेगा नहीं ऐसा नहीं, तो इसीलिए बड़े साइज़ का मैं यूज़ करूँगी अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अभी पहले तो उड़द दाल धो के उसको पीसना स्टार्ट करते हैं। तो दो हांडी में मैंने उड़द दाल भिगो के रखे थे, ये एंड ये, तो अभी उसको पीसूंगी, एंड जो लोग ओडिशा से है उनको शायद पता होगा कि कहाँ पे हो रहा है, एंड संडे को है ये, संडे 12 तारीख, हाँ 12 तारीख को दोपहर के 12:30 से स्टार्ट हो जाएगा, 2-3 घंटे के लिए होता है लंच का टाइम, एंड बहुत मतलब करीब 25-30 स्टॉल्स लगते हैं सारे ओडिशा के खाने, एंड अच्छा रहता है। जिन लोगों को नहीं पता है स्टिल, मैं अगर होगा तो मेरे पास वो जो फोटो है मैं डाल दूंगी, आप लोगों को पता चल जाएगा कहाँ पे है, तो आप लोग आ सकते हैं और हम लोग मिल सकते हैं। तो चलिए गाइस मैं स्टार्ट करती हूँ, अभी मुझे भुना हुआ जीरा लाल मिर्च का जो पाउडर है वो भी बनाना है, वो बहुत अच्छा लगता है दही वड़े के ऊपर, तो वो मैं बना लूंगी। बाकी जिंजर गार्लिक का पेस्ट, टमाटर प्योरे वगैरह वो सब मैं आज बना के फ्रिज में रख दूंगी, बाकी ये सब पीस के एंड ट्राई करूंगी, रात को मैं छान के रख दूं ताकि कल मैं दही वड़ा बना लूं एंड मतलब दही वगैरह घोल के उसमें ऐड कर लूं एंड आलू दम एंड घुगनी वगैरह ये सब बन। For better days to come and carry us like wind in our sails. Oh,
right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. We are dreamers of the तो इस सूखी मिर्च को पहले थोड़ा सा भून लिया, देन इसमें जीरा ऐड करके भून लिया। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, अगर आपको तीखा ज़्यादा करना है तो ज़्यादा सूखी मिर्च ऐड कर सकते हो या ज़्यादा जीरा ऐड कर सकते हो। तो इसको हल्का सा भूनेंगे, इसमें बहुत ही अच्छा सा एक फ्रेग्रेंस आएगा, मतलब रोस्ट जैसे हो जाएगा। देन उसको हम लोग ठंडा करके उसका पाउडर बना लेंगे। ये बहुत मतलब सारी भाजियों में आप ऊपर ऐड कर सकते हो, किसी भी चाट में ऊपर ऐड कर सकते हो। दही वड़े में तो ये मतलब ऊपर से दही वड़ा आलू दम घुघनी जो थोड़ा अलग टाइप का बनता है, मतलब मीठा नहीं होता है, टैंगी सा होता है वो, एंड उसके साथ में आलू की सब्जी एंड येलो पीस की सब्जी सर्व होता है। तो उसके ऊपर सेव, थोड़ा सा प्याज, धनिया पत्ता, हरी मिर्च एंड ये वाला जो मसाला है वो ऐड होता है, तो अच्छा लगता है काफ़ी। तो ये मैं बना के अभी ठंडा कर दूँगी, देन इसका पाउडर बना लेंगे। पीस लिया है सारा, मतलब पूरा थोड़ा सा पानी ऐड कर, क्योंकि थिक रहता है ना वड़े का जो बैटर है। तो अभी इसको मैं हाथ से अच्छे से फेंटूंगी, बिल्कुल नमक ऐड नहीं करेंगे। नमक ऐड करने से जल्दी फर्मेंट हो जाएगा बट हल्का सा खट्टा हो जाता है वो, मुझे ज्यादा खट्टा नहीं चाहिए क्योंकि संडे को है, तो जब जितना खट्टा, थोड़ा सा खट्टा मुझे चाहिए, इसे नमक नहीं ऐड करूंगी। इसको हाथ से अच्छे से फेंटेंगे एंड 6-7 घंटे के लिए छोड़ देंगे, एंड ये बैटर जो है वो फूल के पूरा डबल हो जाएगा। देन फिर हम लोग इसको फ्राई करेंगे आज रात को या कल हम लोग फ्राई करेंगे, बट इसको हाथ से अच्छे से फेंटेंगे, इससे अच्छे से फर्मेंट भी होगा एंड वड़े जो है वो काफी सॉफ्ट बनते हैं। तो बस इसको अच्छे से, अभी यही ज्यादा ताकत वाला काम होता है। करीब 10-15 मिनट तक, ज्यादा बैटर है ना तो अच्छे से फेंट लेंगे। So guys, इसको फेंटे हुए करीब 3-4 घंटा हो गया है, तो देखते हैं कि मतलब ये फूला है कि नहीं। ये देखिए कितना ऊपर आ गया है, आधा था ये, कितना ऊपर आ गया, और भी ये फूलेगा। तो बस ये ऑलमोस्ट रेडी है फ्राई करने के लिए, बट इसमें जो भी मसाले वगैरह डालेंगे ये सारा मैंने ऐसे बिखरा के रखा है, मटर यहाँ पे रख दिए है मतलब भीगने के लिए, तो कल सुबह मैं बॉईल करूँगी। अदरक वगैरह छील के काट के रखे हैं, लहसुन ले आई हूँ मैं ये पील्ड वाला, तो उसका जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट बनाना है, तो बहुत सारे काम हैं बट मैं आके रात को करूँगी। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ अदरक, उसमें हरी मिर्च एंड कड़ी पत्ता, उसका मैं एक दरदरा पेस्ट बनाऊंगी, जिससे मतलब जिसको मैं जो बैटर है डोसे का, सॉरी जो वड़े का जो बैटर है उसमें ऐड करके वड़ा बनाएंगे, साथ साथ जो दही हम लोग फेंटेंगे ना, तो दही में भी यही मैं मसाला जो है यूज़ करूंगी। तड़का मैं कम लगाती हूँ मतलब दही वड़े में, बट ये मसाला मैं दही के साथ में ऐड करती हूँ। तो ये अदरक, हरी मिर्च एंड कड़ी पत्ते का पेस्ट बना लेते हैं। सो एक्चुअली अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर थोड़ा, क्योंकि जो संग्राम के दीदी एंड जीजू आए हुए हैं ना दुबई, तो वो लोग कल वापस जा रहे हैं इंडिया। तो संग्राम ने आज बोला कि चलो कम साथ में डिनर पे चलेंगे, पहले तो उसके रेस्टोरेंट के जाने का प्रोग्राम है संग्राम के रेस्टोरेंट में, क्योंकि उसके दीदी जीजू गए नहीं है संग्राम के रेस्टोरेंट में, इधर वहाँ पर जाएंगे या तो कहीं और जाएंगे, पता नहीं, देखते हैं कैसा क्या है। तो संग्राम लोग, वो लोग सभी अभी आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग डिसाइड करें कहाँ जाएंगे। तो मुझे बहुत सारे काम है बट वहाँ से जाके आते हैं, फिर रात में मैं बैठ के लेट नाइट तक ये सब मसाला वगैरह सब पीस लूँगी। आज मैं सारा मसाला प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ कर लूँगी, ताकि कल मुझे बस करी वगैरह ये सब बनाना है, वड़े जो है वो हो सकता है आज रात को फ्राई करूँ, कल फ्राई करूँ, देखते हैं कैसे क्या होता है। Dreamers of the shore, when we can't read the sky.
देखिए उधर दो पांडा बैठ के अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं। लुक कितने अच्छे दिख रहे हैं ना। कौन कौन से पांडा है? दीप्ति रंजन पांडा और संगीता पांडा। सो गाइस अभी हम लोग आए हैं इधर ब्लू वाटर आइलैंड, उधर ही संग्राम का रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे जाएंगे। उससे पहले यहाँ पे दिस इज हॉट डॉग जो हमारा फेवरेट जगह है तो वहाँ पे आए। तो बस हमने वहाँ से हॉट डॉग लिया, मतलब खा लिया, तो अभी जा रहे हैं संग्राम के रेस्टोरेंट में। बस ये ब्रिज क्रॉस करेंगे तो उस साइड है संग्राम का रेस्टोरेंट। एंड आज भी अच्छी खासी ठंड है। कैसा लगा खाना संग्राम के रेस्टोरेंट का? मस्त ना, फिर से आएंगे। अब अभी तो परमानेंट है इधर बासिंदा, ये नहीं कि हाँ कुछ दिनों बाद चले जाएंगे, ये खा लेती हूँ वो खा लेती हूँ। गाइस आ गए हैं घर वापस, बट रात के 2:30 बज गए। अभी इतना सारा काम पड़ा है, थोड़ा लेट हो गया हमें ऐसे ही बातचीत करने में। चलिए गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे ब्लॉग सैटरडे को डालना है, अगर किसी को पता नहीं है तो वो संडे आ सकते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी कहाँ पे क्या हो रहा है। एंड देखते हैं कल तक, मैं कल फिर बैठ के मतलब अभी थोड़ा बहुत कुछ प्रिपरेशन कर दूंगी, मसाला वगैरह पीसना, एंड फिर कल सुबह जाके बाकी का जो काम है वो सब करेंगे। मिलती हूँ आपसे अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय गाइस।